पाकिस्तान में हर साल 2 लाख से ज्यादा नई गाड़ियां खरीदी जाती हैं और ये तादाद हर साल बढ़ रही है, जिससे साफ जाहिर होता है कि ऑटो टेक्नीशियन की डिमांड में मुसलसल इजाफा होता रहेगा और ये हुनर आपके बेहतरीन मुस्तकबिल की जमानत बनेगा। मेरा नाम उस्मान सलीम है और मैं नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में लेक्चरर हूँ। मैं ऑटोमोटिव टेक्नीशियन का इंस्ट्रक्टर हूँ और मेरी क्वालिफिकेशन मास्टर्स इन ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग इटली से है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के दौर में हर शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले और हर घर की ज़रूरत गाड़ी का इस्तेमाल है। गाड़ी में मुख्तलिफ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स होते हैं जो वक्त के साथ साथ उसमें रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम कराना होता है और अगर कोई पार्ट ख़राब हो जाए तो उसकी रिप्लेसमेंट करनी होती है। और इसके अलावा आज के दौर में हर किसी की ये परेशानी होती है कि उसकी गाड़ी कम से कम फ्यूल किस तरह से खर्च करे या उसकी गाड़ी बेहतरीन से बेहतरीन माइलेज दे। इसी मसले को मद्देनजर रखते हुए नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद ने ऑटोमोटिव टेक्नीशियन का शॉर्ट कोर्स मुतारफ़ कराया है, जिसका मकसद ऐसे तालिब इलम तैयार करना है जो गाड़ी के मुख्तलिफ सिस्टम को रिपेयर और मेंटेनेंस उसकी कर सके। इसकी फ्यूल ट्रिम्स आपको नज़र आ रही है, लॉन्ग ट्रिम तो हमें ज़्यादा ड्यूरेशन में बनाता है, शॉर्ट टर्म जो करंट में जा रहा हूँ इसमें शॉर्ट टर्म में ज़्यादा चल जाएगी उसमें कम चल जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं लीन और रिच के दरमियान में जा रहे हैं ना जी। और फिर हमें असल में ये जो इसकी सेंसर की वोल्टेज है हम उसको देखना चाह रहे हैं, हमें चाहिए नहीं, अभी हम ना स्पार्क प्लग को टेस्ट कर रहे हैं। स्पार्क प्लग जो है कि इसमें PSI में जा के प्रेशर वो जो है स्पार्क होता है, ठीक है। अब हमें नज़र आ रहा है कि ये 60 PSI पे है, तो अगर हम इसको आगे लेके जाएंगे स्पार्क प्लग जो है ये चेंज होने वाले हैं, ठीक है। या इसको हम गेज भी कर सकते हैं, ये चेंज भी होने वाले हैं। उसके अलावा अगर हमने ये साफ़ करना है ना तो यहाँ से ये एयर ब्लास्ट जो है ना एयर ब्लास्ट करके ना आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है www.nsu.edu.bk और आप यूनिवर्सिटी आकर भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम।